उस्मानिया इदारा हर आँख का तारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। मैदान शुजात में मोहम्मद के दले रो, मैदान शुजात में मोहम्मद के दले रो, माने हुए इस दहर में अल्लाह के शेरो। तुम और ये गफलत, ये जमूद और ये खारी, तुम और ये गफलत, ये जमूद और ये खारी, सुई है क्यों गैरत ईमान तुम्हारी, सुई है क्यों गैरत ईमान तुम्हारी, क्यों अपने फराइज का तुम्हें पास नहीं, क्यों अपने फराइज का तुम्हें पास नहीं, बर्बादी मिल्लत का तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं। हर जालिम ओ मगरूर को तो पाँव में कुचल दो, हर जालिम ओ मगरूर को तुम पाँव में कुचल दो, फिर उठो जरा दहर की तुम तकदीर बदल दो। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गो, दोस्तों और अजीज़ो, मैंने सूरतुन्निसा की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला गैरत दिला रहे हैं। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में नहीं लड़ते, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में नहीं लड़ते। वल मुस्तदाफीन मिनर रिजाल वल निसाए वल विल्दान, और कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे पुकार पुकार के अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारे लिए कोई हिमायती दुनिया में पैदा कर जो हमारी इमदाद को आए। अल्लाह ताला गैरत दिला रहे हैं और अंडे पराठे के साथ नाश्ता करने वालों, हलवा पूरी के साथ पेट भरने वालों, सिरी पाव खाकर डिकार देने वालों, बड़े बड़े गिलास लस्सियों के पीकर मूंछों को बट चढ़ाने वालों, तुम्हें कुछ एहसास भी है, तुम्हें कुछ एहसास भी है कि हमारे भाई इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, कुरान के ये अल्फाज हैं, सारे मोमिन आपस में भाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं सारे मुसलमान आपस में भाई हैं, फरमाया बल्कि भाई क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान जसद वाहिद की तरह हैं, एक जिस्म की तरह हैं,
अगर एक जिस्म की आंख को तकलीफ हो तो सारा जिस्म बेकार हो पर जो है बेकरार हो जाता है। हाथ को तकलीफ हो सारे जिस्म को नींद नहीं आती। इसको ठीक करने के लिए अस्पतालों का चक्कर काट रहा है, बड़े से बड़े डॉक्टर को ढूंढ रहा है कि मेरी आंख में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, मेरी डाढ़ में दर्द है, इसको चैन नहीं आता। तो समझो ऐसे ही एक मुसलमान कहीं दूर भी क्यों ना हो, अगर वो जुल्म की चक्की में पीस रहा हो तो तुम्हें नींद हराम होनी चाहिए। तुम कैसे मजे से खा सकते हो, पी सकते हो, सो सकते हो। ये मक्का वालों के बारे में जब अभी हिजरत करके आ गए थे और कुछ लोग गरीब जो कमज़ोर बीमार बूढ़े बच्चे हिजरत नहीं कर सके उन पर वहाँ जुल्म ढाया जा रहा था, तो अल्लाह ताला ने इधर मदीना वालों को फरमाया कि तुम तो हिजरत करके आ गए हो, तुम्हारे भाई तुम्हारी बहनें तुम्हारी माएँ तुम्हारे बेटे तुम्हारे वो दादे परदादे जो बच्चे बूढ़े कमज़ोर वहाँ जुल्म की चक्की में पुस रहे हैं उनकी मदद के लिए क्यों नहीं जाते, गैरत दिला रहे। तो यही बयान नहीं और दुनिया के 54 पता नहीं कितने ममालिक इस्लामियों के अंदर चैन के चिड़े उड़ाने वालों और एक दूसरे के खिलाफ नबर्दाजबा होने वालों अपनी ताकत को अपने दुश्मन के मुकाबले में क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तुम्हारे फलस्तीनी भाई कब तक तुम्हारी मस्जिद बैतुल मक़द्दस सिर्फ उनकी नहीं है, वो सब मुसलमानों की है, वो कब तक अपने बच्चे कटवाते रहेंगे, कब तक अपने रिश्ते लुटवाते रहेंगे। तुम्हारा किबला नहीं, 16-17 महीने तुमने इधर मुंह करके नमाज नहीं पढ़ी थी, ये वो किबला नहीं है जिसमें बनी इसराइल के तमाम शर्म आनी चाहिए बनी इसराइल यहूदियों को कि यहाँ तो हमारे ही पैगंबर बनी इसराइल के आए थे, आज उस मुसलमान उस मस्जिद को ये दलील कर रहे हैं, नमाजियों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और मुसलमान हैं हम कमज़ोर हैं। कमज़ोर हो कैसे, कमज़ोर हो, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ इनके मालिक तो तुम हो, अच्छे खित्तों के मालिक तुम हो, अच्छी जगहों के मालिक तुम हो, दरियाओं और मौसमों के मालिक तो तुम हो, कहीं सारी सर्दी है कहीं गर्मी है, तुम्हें सर्दी भी मिलती है गर्मी भी मिलती है, यहाँ पहाड़ भी तुम्हारे पास है, सहारा भी तुम्हारे पास है, सोना भी तुम्हारे पास है, गैस भी तुम्हारे पास है, क्या चीज़ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पास नहीं है तो इत्तेफाक नहीं है। ईमान की कमजोरी है, बस तुम्हारी नजर दूसरे पर पड़ती है कि वो खराब है, वो खराब है, मेरा हमसाया खराब है, मैं ठीक हूं, खाकि एक औरत से डॉक्टर फौजिया से खतरा है, इसको पकड़ो, इतनी मुद्दत से वो उनकी कैद में जुल्म बर्दाश्त कर रही, आफिया डॉक्टर आफिया, हमें गैरत क्यों नहीं आती। मुसलमानों ये जिंदगी हमेशा की नहीं है, ये जिंदगी खत्म होने वाली है, कोई कह नहीं सकता यहां बैठे हुए लोगों में से कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, ये तो चार मुसलमान है मानते हैं लेकिन कोई दहरिया भी नहीं कह सकता कि मैं जिंदा रहूंगा, जो खुदा को भी नहीं मानता वो भी कहता है मरता मरूंगा मैं भी। तो जब इस दुनिया को छोड़ जाना है, वो कहा था ना हमारे एक लीडर ने, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनकी कबर को मुनव्वर फरमाए, शेर के एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर, जहाज उसकी तरफ आने लगे तो सारी रात अल्लाह के हुजूर इसी बैतुल मक़द्दस में रो रो के गुजार दी। हमारे हुक्मरानों को ये तौफीक नहीं होती, रो रो के गुजार के सवेरे आंखें सूजी हुई हैं, बाहर आ रहे थे एक बुजुर्ग मिल गया, उसने कहा कि तेरे रात के रोने ने अमीरी के बेड़ों को डबो दिया है। थोड़ी देर के बाद खबर आ गई कि उनके
मेरे डूब गए हैं। अल्लाह से यारी लगाए अपने ऊपर, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जमातें जो अल्लाह को मानकर अल्लाह के हुक्म से लड़ती हैं तो बड़े बड़े लश्करों को हरा देती हैं, बड़े बड़े लश्करों को हरा देती हैं। दूसरे पारे में नहीं, जिक्र एक वाक्या का जिक्र है, ये आयतें वहाँ हैं। 313 लाखों के मुकाबले में खड़े हैं और मूली गाजर की तरह काट के फतेयाब हो गए। बदर में 313,000 मुसल्ला नौजवानों के मुकाबले में खड़े हैं, 1,000 के करीब। तो अल्लाह ताला ने ऐसी फतह दी, आज तक ना मुसलमान भूल सकता है ना काफिर भूल सकता है। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी काफिर मुशरिक को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने फरिश्ते भेजे, फरिश्तों को कहा जाओ तुम इन मुसलमानों को ढारस बंधाओ, जाओ मुसलमानों को ढारस बंधाओ और कुफार के दिल में हम रोब डाल देंगे और इसके बाद फिर तुम कुफार के गर्दन के ऊपर वाला हिस्से को गर्दन पे नहीं रह देने देना और बाजू पर लगे हुए हाथों को बाजू के साथ नहीं रह देने देना, न गर्दन बाकी रहे ना हाथ बाकी रहे। ये हम मजे से सुनते हैं, हम तो मजे से सुनते, वो थे वो हमारे, वो तुम और हम क्या हैं, उनकी बातें माशाल्लाह वो तो हमें गर्म जोशी से हमें दलेरी की तरह ले आती हैं। ज़रा हम भी तो उठें, हम सूद से नहीं फारिग होते, रिश्वत से नहीं फारिग होते, हम डकैती से फारिग नहीं होते, हम दूसरे की इज्जत पर हमला करने से फारिग नहीं होते। हम कब लड़ेंगे, हमें तो याद ही नहीं है कि मर भी जाना है और जवाब भी देना है। ओ मुसलमानों गैरत करो, हर एक इमाम हो खतीब हो मुक्तदी हो और कोई दुकानदार हो ताजर हो मजदूर हो, ये सब का मुश्तरका मसला है, सब का मुश्तरका मसला है। कायदीन को आगे बढ़ना चाहिए, अवाम को हम पीछे, हम तो अवाम में पीछे, हम आपके तैयार हैं, चलें कट जाएंगे मर जाएंगे और क्या हो, लेकिन आगे आखिरत तो बन जाएगी, आखिरत तो बन जाएगी। ये सारी दुनिया के ममालिक मजम्मत कर रहे हैं अमरीका के, नहीं 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 हमने भी तो मजम्मत करते हैं, रोकते भी नहीं। तोहफे तुझे जालिमा, जालिमा तुझे शर्म आनी चाहिए, तो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के खतरा है इससे, और एक जालिम मस्जिद के अंदर नमाजियों पर बारिश बरसा रहा है गोलों की, फिर भी तू उसे हिमायत करता है, तो फिर तेरी भी इंशाअल्लाह हुकूमत नहीं रहेगी, तो भी जलील और ख्वार होगा। मुसलमानों मुसलमानों मुसलमानी का लिहाज रखकर हाथ बुलंद करो, हम सब के सब ये करारदाद पेश कर रहे हैं कि फलस्तीनियों की मदद के लिए तमाम ममालिक इस्लामिया को उठकर इन जालिमों का मुकाबला करना चाहिए और इसराइल को और उनके पुश्त पनाहों को चाहिए कि वो जल्दी से अपने ये जो हैं हमले बंद करें। अब थोड़ी थोड़ी खबरें आ तो रही हैं लेकिन क्या मैंने अब से वो जंगी मुजरिम है, जंगी मुजरिम के साथ तो ये सलूक नहीं, बंद कर दीजिए, आराम कर दिए, वो कहाँ आराम करिए, अब आराम करे कले सुले हम फिर हमला हमला होगा, उस पर सजा होनी चाहिए। एक मुजरिम है, मुजरिम को सजा ना हो तो फिर क्या फायदा उसका। एक चोर है जी, ठीक है मैंने चोरी की, उसको छोड़ दो जाके दूसरी चोरी कर देगा, क्या किया मेरा इन्होंने। एक बदकार है, बदकारी कर दी पकड़ा छोड़ दिया, कोई बात नहीं जी, तो फिर जाके और तीसरी बदकारी करेगा। तो इस वास्ते
जो सहाफ़ी है, जो कहीं रहता है, कहीं अखबार के ज़रिए, कहीं किसी तरीके से भी, जितना भी मुमकिन हो, जितना भी हुकूमत को वार्निंग दे, उनको कहे, अपोजिशन से कहे, बाकी पार्टियों से कहे, इत्तेफाक करो इस एक मसले में, तो इत्तेफाक कर लो और मुकाबला करो, और आवाम जो हैं वो खतीब हैं, मदारस वाले हैं, सब इस मसले में इत्तेफाक करके, कब तक ये फ़लस्तीनी और कश्मीरी कटते रहेंगे। शुरू में उन्होंने ऐसा लगाया तो कश्मीर दो जुमे हमने भी बयान कर दिया, आवाम ने भी, तो तब तो वो कामयाब नहीं हो सका। अगर वो बुजदिली करते तो कब के उन्होंने वहाँ फतह याबी हासिल कर ली होती और कंट्रोल संभाल लिया होता। ये नहीं संभाल रहे इस वास्ते कि वो बड़े जरूरतमंद लोग हैं, उन जरूरतमंद लोग हैं थोड़े हैं, तो अब बाकी मुसलमानों को उनका मुकाबला करना चाहिए। वाकूल को लिहाजा।